हाय गाइस, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम आपके लिए जो सीजन फ्लावर होते हैं उनके पेड़ों के बारे में बताएंगे, आप किस प्रकार उनकी देखभाल करेंगे और आपको दोबारा नहीं लेने पड़े उसमें आप क्या करें, उसका बीज कैसे रखें। तो फ्रेंड, जो भाई नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइबर बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे जो वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँच सके। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आप देख रहे हैं यह पौधा बहुत ही सुंदर होता है और सीजन फ्लावर का पौधा है। इसका फूल खिलने की बात करें तो फ्रेंड, इसका फूल कम से कम 2 महीने खिला रहता है। तो फ्रेंड, इसका फ्रेंड जो बीज रखेंगे आप कैसे रखें, सबसे पहले आप ये ध्यान रखें जो हमारा पहला फूल आया है उसको आप तोड़ें नहीं, उससे ही अच्छा फूल बनता है और उससे ही हमारा बीज तैयार होता है। तो फ्रेंड, उसके जो भी 2-4 फूल आते हैं अच्छे अच्छे फ्लावर, उनको सबसे पहले रख लें और आप उनको रखने के बाद किसी कागज़ में सुखा दें। सुखाने के बाद इस जगह पर रखें जहाँ हमारा रसोई का धुआँ नहीं जाए। और फिर से बोने का तरीका मैं आपके लिए बताऊंगा, वीडियो में एंड तक बने रहें। और फ्रेंड, जब आप उसे बोएं तो उसको ध्यान रहे, जैसे मान लो हमारे 100 सीड्स हैं तो उसमें से कम आप 20 ही सीड्स बोना, क्योंकि आपको पता पड़ जाएगी मौसम में के हिसाब से उगा है या नहीं उगा। और आपके 20 सीड उग जाती हैं फिर थोड़ा सा बीज बो दें। फिर आपको क्या करना है, उसमें आपको 20 दिन का गैप रखना है, क्योंकि 20 दिन बाद वो फूल आएंगे, फिर 20 दिन बाद वो फूल आएंगे, तो एक तरह का मेंटेनेंस बनता रहेगा और खूब फूल आपके पौधे पर आते रहेंगे। तो फ्रेंड, अब आप देख रहे हैं, देखो ये नीम बेल का पौधा है। तो फ्रेंड, इसके अंदर बहुत ही सुंदर फूल आते हैं। आप अगर इसको कहीं पर भी मिल जाए तो आप इसकी कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड, ये आपके ज़्यादातर बाग बगीचों में होती है। अगर आपके बाग बगीचे में नहीं हो तो नर्सरी से ले लें, ये 30 या 35 रुपये की आएगी। फूल की बात करें तो फ्रेंड, इस पर इतना सुंदर फूल आता है कि गुच्छे गुच्छे फूल आता है। इसका भी फूल 1 से 2 महीने तक खिला रहता है। और ये बेल बहुत ही अच्छी होती है, जैसे कि हमारी मधुमालती की बेल होती है, बेगन बेलिया की बेल होती है और राखी बेल होती है, उसी प्रकार इस पर फ्रेंड फूल आते हैं। आप इसको ज़रूर लाएं। और फ्रेंड, आप देख रहे हैं मेरा दूसरा पौधा, ये कमल कैप्टस के नाम से जाना जाता है। बढ़िया पौधा हो, थोड़े इसमें कांटे होते हैं फ्रेंड। और फूल की बात करें तो इस पर इतना फूल आता है, बहुत ही सुंदर फूल। इस 2 रंग की होती है, गुलाबी और वाइट, ये बहुत ही सुंदर फूल खिल के आते हैं। इसकी भी फूल की बात करें तो फ्रेंड, इसका फूल 1 से 2.5 महीने तक फूल खिला रहता है और कम से कम 6-7 महीने दें परमानेंट फूल देने वाली हमारा ये पौधा है। तो फ्रेंड, आप इसको जरूर लाएं, ये भी हमारी कटिंग से ग्रो हो जाएगा। आप इसकी फ्रेंड ध्यान रहे, ग्रो बरसात में नहीं करें क्योंकि बरसात में ये गल जाता है। इसकी फरवरी में या अप्रैल में इसकी कटिंग कर दें और ये पौधा खूब तैयार हो जाएगा। अब फ्रेंड, आप देख रहे हैं गोल्डन क्रांचू का पौधा है। ये हाईब्रिड वाला क्रांचू होते हैं, बहुत ही बढ़िया होते हैं। फ्रेंड, इसकी बात करें फूल की, ये भी 2-3 महीने खिले रहते हैं, तो इनका भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड, ये देख रहे हैं डेंटस के पौधे, मेरे 3-4 कलर के डेंटस के पौधे हैं। इसके अगर आप बीज बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड, इसका बीज बहुत ही बारीक होता है, जो आप देख रहे हैं वाइट रंग का। यह एक चांदी टप का पौधा है, बहुत ही सुंदर खिलता है, फूल बहुत सुंदर आते हैं। देखो, ये मेरे सीजन फ्लावर के पौधे थे, डहलिया था हमारा, अस्टर थी, डेंटस था, और ये सूट विलियम था, बर्फ प्लांट था, आइस प्लांट, डॉग फ्लावर, यानी कि सभी वेराइटी के मेरे फ्लावर थे। और मैंने इसके बीज आपको बनाने का तरीका बता दिया, जो हमारा पहला फूल सूख जाए आप उसे रख लें और वही बीज तैयार हो जाएगा, नवंबर में इसको बो दें। फ्रेंड, आपको नर्सरी में दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब फ्रेंड, आप देख रहे हैं लक्ष्मी कमल का पौधा, यह बहुत ही अच्छा पौधा होता है, आप इसको नर्सरी से ज़रूर लाएँ। यह बहुत शुभ माना जाता है। जो मेरा छोटा बेबी प्लांट देख रहे हैं, ये बेबी प्लांट है, बहुत ही अच्छा होता है। फ्रेंड, इसको ध्यान रहे, शुभ पक्ष में लेना। इसकी दिशा मैं बता रहा हूँ, पूरब या उत्तर में रखना चाहिए आपको, क्योंकि पूरब और उत्तर की दिशा में अगर रखते हैं आप तो बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही लकी होता है। तो फ्रेंड, आपको इसमें ध्यान रहे, हफ्ते में एक ही बार ही पानी दें, क्योंकि ये पानी से हमारा थोड़ा गल जाता है। और फ्रेंड, इसकी पत्ती से भी पौधा उग जाता है, थोड़ी सी पत्ती आप दबा दें। सबसे पहले फ्रेंड, मेरा ये बेबी प्लांट इसमें से निकलते हैं, वो भी आप अलग लगा सकते हैं। फ्रेंड, इसमें से आपको ध्यान रखना, किसी को देना नहीं है, और अपने घर में कितने भी बेबी प्लांट कर सकती हो। अगर आप दे सकते हैं तो फ्रेंड अपने परिवार में ही दें। तो फ्रेंड, मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, वंदे मातरम।